सरकार को सोचना चाहिए कश्मीर घाटी का विभाजन करके दो यूनियन टेरिटरीज वहां पे बनाना, यही एक जिसको आप कहें स्टेबल और परमानेंट तरीका है वहां पे अलगाववाद को खत्म करने। अब चूंकि भारत सरकार ने जमात इस्लामी पे बैन लगाई है, अगर किसी भी गलियारे में किसी भी स्तर पे ये बात चल रही है कि जमात के साथ हाथ मिला के हम कोई नया एक पॉलिटिकल कू कश्मीर में करेंगे, ये एक सुसाइडल बात होगी। ये बात कहने के लिए मैं आज आपके सामने आया हूं क्योंकि इसकी रिलेशनशिप हालात के बारे में है। अगर ये बात सच है कि कोई किसी किस्म की एक नेगोशिएशन, कोई किस्म का कोई रिश्ता बन रहा है, तो ये देश के लिए ठीक नहीं है। और अगर भारत सरकार किसी भी लेवल पे ये सोचती है कि हम कश्मीर घाटी में उस तरीके के लोगों को ही इन्वॉल्व करके कुछ काम करेंगे जैसे पुरानी सरकारों ने किया है, तो ये एक गलत बात होगी। मैं समझता हूँ कि एक सुसाइडल एक अप्रोच होगा। हम कोई सरकार को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको चेता रहे हैं कि जमात के साथ कोई भी अंडरहैंड डीलिंग करना बड़ा घातक होगा। जमात का जम्मू कश्मीर के हालात के बारे में या जम्मू कश्मीर की परिस्थिति के बारे में वही रोल है जो मुस्लिम ब्रदरहुड का इजिप्ट में है या पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में है। इसलिए जमात आंतरिक विघटन की प्रक्रिया की एक प्राइम एजेंसी रही है और पुरानी सरकारों ने बार बार कहा कि हजारों की संख्या में जमात समर्थित लोग सरकार में हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में हैं। इसी के साथ हम ये कहना चाहते हैं कि भाई सरकार पूरे समाज को, पूरे जम्मू कश्मीर में जो लोगों को इस कॉन्फिडेंस में ले लें कि जमात का सबरशु रोल, आंतरिक विघटन का रोल, इसकी हालत क्या है, कितने लोग इन्वॉल्व हैं। पुराने गवर्नर ने कहा कि सिर्फ सेक्रेटरीट में ही 25,000 के करीब लोग इन्वॉल्व हैं। तो हमको तो बोले, हम सरकार जो कुछ एक्टिविटी कर रही है, जैसे हाल ही में कुछ एम्प्लॉयज को उन्होंने डिसमिस किया है आंतरिक जो एंटी नेशनल रोल प्ले करने के लिए, ये बात वेलकम वाली बात है। लेकिन हम सरकार से आग्रह करते हैं कि भाई जो टॉप मोस्ट लेवल पे इन्फिल्ट्रेशन रही है, जमात का इन्फ्लुएंस रहा है या अलगाववादी तत्वों का इन्फ्लुएंस रहा है ब्यूरोक्रेसी में, एकेडमिक्स में या किसी भी समाज के किसी भी स्तर पे, समाज वहाँ पे बिजनेस हाउसेस में, वहाँ की जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप है, वहाँ पे जहाँ जहाँ पे भी ऐसे सिंपथाइजर्स टॉप मोस्ट लेवल पे हैं, पहले उनके खिलाफ उनको कार्रवाई करनी चाहिए। एक टॉप बॉटम अप्रोच उनको अडॉप्ट करना चाहिए। उसके बगैर भले ही वो कुछ लोगों को डिसमिस भी करें, उसका बड़ा इम्पैक्ट समाज पे नहीं पड़ेगा।